हेलो फ्रेंड्स, आज हमने गोभी के डंठल का साग बनाया है जो सरसों वाला है। ये आप एक बार जरूर ट्राई कीजिए। ये बहुत ही सिंपल रेसिपी है और ये खाने में बहुत ही टेस्टी है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल पर जाकर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। साथ ही फ्रेंड्स, बेल आइकन को भी क्लिक कीजिएगा जिससे कोई भी रेसिपी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। इसके लिए हमने ये गोभी के ये डंठल ले लिए हैं और साथ में कुछ हमने इस तरह के भी ले लिए हैं पत्ते। इसमें हम डंठल के साथ थोड़े पत्ते भी डालेंगे। ये बहुत ही पौष्टिक सब्जी है और इसको बनाना भी आसान है। आमतौर पे लोग इसको फेंक देते हैं, लेकिन इसकी आज हम बहुत टेस्टी सी सब्जी बनाएंगे। देखिए, डंठलों को हमने इस तरह से काट लिया है और साथ में हमने थोड़े से सॉफ्ट पत्तों को भी काट लिया है। इस साग को हम धुलकर बॉयल कर लेंगे। गोभी के डंठल को उबाल लिया है और हल्के हाथों से ऐसे नचोड़ दिया है, इससे इसका पानी थोड़ा निकल जाए। और इसके लिए हमें चाहिए 1 चम्मच सरसों, आधा चम्मच हल्दी, आधा चम्मच धनिया और 1/4 चम्मच लाल मिर्च, 1 चम्मच जीरा, नमक टेस्ट के अनुसार, आधी चम्मच मेथी, हींग और हमको लहसुन चाहिए कम से कम 15-20 कलियां जो हमने चॉप करके रखी हैं, और हरी मिर्च चॉप्ड 5-6 मिर्च और तेल आवश्यकता के अनुसार। हम सरसों, आधा जीरा और आधे लहसुन का पेस्ट बना लेंगे। पैन लेंगे, पैन में हम ऑयल गरम करेंगे। देखिए, ये साग है, अच्छे से फ्राई करने के लिए थोड़ा सा हम ऑयल ज्यादा ही लेंगे। इसमें हम गार्लिक डालेंगे, जीरा डालेंगे, मेथी और हींग डालेंगे, थोड़ा सा लहसुन हो गया है, अब हरी मिर्च डालेंगे। ये हमारी हरी मिर्च हो गई है। अब इसमें हम हल्दी, मिर्चा, धनिया ऐड करेंगे। और इसके साथ ही हम ये जो सरसों पीस के रखी थी हमने, इसको हम डाल देंगे। इसको हम अच्छे से भूनेंगे। साथ ही इसमें हम नमक ऐड करेंगे और इसको सिम फ्लेम पर अच्छे से हम भूनेंगे। ये हमारा मसाला भून गया है, देखिए। अब इसमें हम ये गोभी का साग ऐड करेंगे। इसको अच्छे से हम भूनेंगे। अगर आपका साग अच्छे से उबला नहीं है तो आप इसको ढककर 2 से 3 मिनट तक पका भी सकते हैं। इसको हम देखिए खूब अच्छे से गला नहीं है, इसलिए इसको हम 2 मिनट के लिए ढक देंगे। दो मिनट हो गए हैं, इसको हम खोल के देखेंगे। इसको हम थोड़ा सा और ऐसे ही दबाकर इसको फ्राई करेंगे। देखिए, ऐसे दबाएंगे तो इसमें थोड़ा पानी निकलेगा। अब कितना अच्छा सा फूट रहा है। ऐसे ही इसको हम दबा दबा कर फ्राई कर लेंगे। जब तक इसका पानी खत्म नहीं हो जाता तब तक हम ऐसे ही दबा दबा कर फ्राई करेंगे। ये साग बहुत ही टेस्टी लगता है, इसमें सरसों की स्मेल बहुत अच्छी लगती है। देखिए, ये हमारा साग फ्राई हो गया है। इसको फ्राई करने में हमको 6 से 7 मिनट लगे हैं।
ये बहुत ही टेस्टी साग है, आप जरूर एक बार बनाएं। ये देखिए ये अच्छे से तैयार है, इसको आप चावल या रोटी किसी के साथ भी खा सकते हैं। अभी हमारा पक गया है, अब इसको हम सर्व कर लेंगे। ये हमारा गोभी के डंठल का सरसों वाला साग तैयार है।